सो अब सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू बॉर्ड मास, एक बार हम बॉर्ड मास फिर देख लेते हैं क्या चीज है। ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सो इन दिस क्वेश्चन 2 प्लस ब्रैकेट 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5। सो जैसे हमने रूल देखा था कि लेफ्ट से राइट की तरफ चलो, मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड सी एज पर दी प्रायोरिटी, देखो यहां पर। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज व्हाट? ब्रैकेट। नाउ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी सी टू ब्रैकेट, हमें दो ब्रैकेट नजर आ रहे हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस ब्रैकेट फर्स्ट, क्योंकि ये हमें पहले मिल रहा है। सो 3 माइनस 5, सो नो साइन इज प्लस साइन एंड दीज टू आर डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हायर टू लोअर नंबर। सो बड़ा नंबर जो है, हायर नंबर इज 5, सो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एंड द साइन विल बी ऑफ हायर नंबर। सो हायर नंबर इज 5, इट्स साइन इज माइनस, सो आंसर इज माइनस। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस ब्रैकेट माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5। लेट्स ओपन द ब्रैकेट। सो नेक्स्ट रूल सेज दैट द लेफ्ट ब्रैकेट के जो लेफ्ट में आपके है जो भी साइन या नंबर है वो ब्रैकेट के साइन और नंबर से मल्टीप्लाई होगा। सो ब्रैकेट के लेफ्ट में एक प्लस साइन है, सो दिस साइन विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस साइन। सो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, सो द आंसर इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5। Now let's open the second bracket. So 3 minus 5. No sign is plus sign. So answer is minus 2. 2 divided by 2. 2 minus 2 divided by 2 plus 6 multiplied by minus 2. Now here the multiplication sign is T with the this number with this bracket. तो ये जो प्लस 6 है दैट इज मल्टीप्लाइड विद दिस ब्रैकेट। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो बाकी हम ऐसे लिख लेते हैं 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। नाउ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी हैव अ माइनस साइन, देयर इज नो साइन इज प्लस साइन, डिवीजन इज कमिंग, सो डिवीजन हैज द हायर प्रायोरिटी। तो हमें डिवाइड पहले सॉल्व करना है। सो दिस विल बी डिवाइडेड माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, सो नो साइन इज प्लस साइन, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 एंड माइनस डिवाइडेड बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस। सो प्लस 2 माइनस 1 माइनस 12। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेट्स सॉल्व दीज टू बिकॉज प्लस एंड माइनस कैन बी सॉल्व एट एनी टाइम। प्लस 2 माइनस 1 different sign, 2 minus 1, because from higher number we have to subtract lower number, 1 and the sign will be a plus sign, because this is the higher number sign. So plus 1, minus 12. Now two different signs, subtract from higher to lower number, higher number is 12, so 12 minus 1, 11 and the sign will be of higher number. Higher number is 12, so sign is minus. So our answer is minus. So method 2 is let's bracket has the same priority. So instead of this bracket, let's solve this bracket first. So 2 plus 3 minus 5 divided by 2 plus 6 multiplied by minus 2. Because 3 minus 5 we have already solved minus 2. Now open the bracket, so multiplication sign, so it means when we will open the bracket, so any number which is getting multiplied on the left hand side will multiply with the sign, will multiply with the number and sign with the bracket. So 2 plus 3 minus 5 divided by 2, so this answer is equal to minus 12. Now let's solve this bracket. So 2 plus minus 2 divided by 2 minus 12. Because this we have already solved minus 2.
Now open the bracket. So with this bracket, there is a plus sign. So this plus will be plus multiplied by minus is equal to minus. Now no sign means plus sign. Now division has the higher priority than the minus sign. So this need to be solved first. So this is the answer is minus 1. So plus 2, minus 1, minus 12. This is same as the previous one. So answer is minus 11. So what we have found, so humne kya dekha hai yahan par ki bracket, either you solve it first, any of the bracket you can solve it as your will. तो आप अपनी चॉइस से कोई भी ब्रैकेट को आप पहले सॉल्व कर सकते हैं, बट ब्रैकेट हैज दी हायर प्रायोरिटी देन दी डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन कैन बी सॉल्व एज पर विल, उसको आप पहले किसी को सॉल्व कर सकते हैं, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आप अपनी विल से सॉल्व कर सकते हैं जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन खत्म हो जाए। तो ये आपको रूल याद रखने हैं जो हमने सबसे पहले चैप्टर में किए थे। वेन यू रिमेंबर द रूल, यू solve the question with the rule, answer will always be right.